बिग बॉस की ट्रॉफी एल्विश नहीं अभिषेक ले जाएंगे। फुकरा इंसान जीत जाएगा बिग बॉस OTT 2। एल्विश यादव को लग गई है पनौती। ये मैं नहीं बल्कि जनता कह रही है ट्विटर पर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। दरअसल MBA चाय वाला आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था एल्विश यादव को लेकर कि फुल सपोर्ट, जिसके बाद से ही लोग उन्हें गाली देने लगे और ये कहने लगे कि तुम जिसके साथ भी नजर आते हो, कोई चुनाव हार जाता है, किसी का बिजनेस डूब जाता है, और अब एल्विश यादव को सपोर्ट करके तुमने पनौती लगा दी है, कहीं एल्विश यादव अगर हार गए तो ये अच्छा नहीं होगा। अब ये तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो सोशल मीडिया पर निकल रही हैं, जिसके बाद खुद MBA चायवाला ने एक वीडियो जारी किया है और ये वीडियो क्या है आप खुद सुन लीजिए। भाई एल्विश यादव को बिग बॉस जिताना है, तुम पनौती बोल लो जो बोलना है, पर एल्विश यादव चुनौती है भाई, फुल सपोर्ट एल्विश यादव। तो देखा आपने किस तरीके से MBA चायवाला ये बोल रहे हैं कि आप पनौती बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन एल्विश यादव जो है वो चुनौती हैं और वही बिग बॉस जीतेंगे। बिग बॉस में एल्विश यादव को फुल सपोर्ट है। अब हम सभी बिग बॉस में एल्विश यादव को देखने के लिए बिग बॉस देख रहे हैं और उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे में चाहे MBA चायवाला हो या तमाम ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो आती जाती रहती हैं, और सपोर्ट जो है वो एल्विश यादव के लिए ही है, वही जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं फुकरा इंसान को लेकर, और कहीं ना कहीं उनके जो फैंस हैं वो भी इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि आपको भी लगता है एल्विश को पनौती लग गई है। वही सोशल मीडिया पर अभिषेक वर्सेस एल्विश जो है वो लगातार हो रहा है और ट्रेंड भी कर रहा है। एल्विश यादव, अभिषेक, फुकरा इंसान, तमाम ऐसे हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन एल्विश यादव की जो फैन फॉलोइंग है वो देखने को मिल रही है जबरदस्त वाली तरीके से, क्योंकि कोई अपने कार के पीछे एल्विश यादव का बैनर पोस्टर लगवाकर घूम रहा है, तो कोई टैटू बनवाने जा रहा है। तो वहीं पर अगर सोशल मीडिया पर आप देखें, इंस्टा खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, ट्विटर खोलेंगे, तो जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं वो एल्विश यादव और र्यूमर जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनकी फ़ोटोज़, उनके मम्मी पापा की फ़ोटोज़, उनके रील्स, यही सब आ रहे हैं। और ये गाना जो राव साहब है वो तो फेमस हो ही गया, और उसके साथ एल्विश यादव के तमाम रील्स उनके पुराने वीडियोस से कट 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 करके लोग लगा रहे हैं। तो इसे दीवानगी जो है वो पता चल रही है कि किसके लिए सबसे ज़्यादा है। जिसका फेस जो है चारों तरफ घूम रहा है वो एल्विश यादव ही है, कोई और नहीं है। अगर आप नोएडा की सड़कों पर चले जाएंगे जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एल्विश 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 दिखाई देगा। और इसके साथ ही अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई हम बिग बॉस नहीं देखते थे, लेकिन एल्विश यादव की वजह से हम बिग बॉस देख रहे हैं। तो ये जो है वो रियलिटी है, ये जो है वो माहौल है, हर तरफ एल्विश यादव हो रहा है, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एल्विश यादव बिग बॉस जीतें और हम लोग उनके स्वागत में जाकर खड़े रहें।